सो हैव यू रिमेम्बर्ड ऑल दीज नेम नाउ जस्ट अब इसको काट दिया मैंने अब देखो जराज हाउ मच इट इज इजी टू रिकॉल द नेम ऑफ ऑल द क्लाउड्स अब ये ट्रिक था एंड ऑल दीज क्लाउड्स आर कंफाइंड दीज क्लाउड्स आर प्रजेंट फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू द हाइट ऑफ ट्वेल्व किलोमीटर most of these clouds are present most of these clouds are present from earth surface up to the height of 12 km only there are few exceptions also but most of the clouds are present from earth surface up to the height of 12 km only why because in the atmosphere most of the water vapor is present in the lower altitude बिकॉज इन द एटमोस्फेयर मोस्ट ऑफ द वाटर पेपर इज प्रजेंट इन द लोअर एल्टीट्यूड क्लियर दिस इज द रीजन वाई मोस्ट ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस वनली इन द लोअर एटमोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर. ऊपर क्लाउड नहीं बनेगा कोई पूछ दे क्यों नहीं बनेगा वाटर पेपर नहीं बादल बनने के लिए दो चीज चाहिए डस्ट पार्टिकुलर वाटर वेपर तो ऑलमोस्ट 99.999999 परसेंट वाटर वेपर ऑफ द एटमोसफेयर इज कन्फाइंड इन द हेलो वायुमंडल नाम सुना है एटमॉस्फेयर में प्रोपोस्फेयर ये सब नाम सुना है ना जितने धरती का जितना वायुमंड जलवाष्प है वाटर वेपर वो कहाँ पर है लोअर हाइट पर है कहाँ पर है लोअर हाइट पर है ठीक है सो मोस्ट ऑफ द वाटर वेपर ऑफ़ द एटमोसफेयर इज कन्फाइंड इन द लोअर एल्टीट्यूड 12 किलोमीटर तक दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द क्लाउड फॉर्मेशन टेक प्लेस मनली इन द लोअर एटमोसफेयर देर विल नो क्लाउड एक्सेप्ट देर विल बिल नो क्लाउड एबव 12 किलोमीटर कोई पूछ दे कि बारह किलोमीटर तक क्लाउड क्यों बनता है क्योंकि सारे वाटर पेपर प्रोपोस्फेयर में लोअर हाइट में एटमॉस्फेयर ऊपर में वाटर पेपर उतना नहीं है इसलिए बादल उतना नहीं बनता अगर मिलेगा तो बनेगा बात समझ में आई चल आओ कैसे याद रखें इसको क्लासिफाइड हाउ मेनी टेन टाइप्स ऑफ क्लाउड जीरो किलोमीटर डेट इज अर्थ सरफेस देखो इसको कैसे याद रखें अर्थ सरफेस से 12 किलोमीटर थे तो फ्रॉम अर्थ सरफेस अप टू 2 किलोमीटर ऑफ हाइट फाइव टाइप्स ऑफ क्लाउड आर कन्फाइंड फ्रॉम 0 टू 2 किलोमीटर ऑफ हाइट दिस इज रेफरड एज लो क्लाउड जोन विच क्लाउड जोन लो क्लाउड जोन फ्रॉम 2 किलोमीटर अप टू 6 किलोमीटर only टू टाइप्स ऑफ क्लाउड आर present दिस is मिडिल मिडिल क्लाउड जोन एंड फ्रॉम 6 टू 12 किलोमीटर ऑफ हाइट कितना बच गया तीन दिस is high क्लाउड जोन ठीक है जीरो टू तो दो किलोमीटर की ऊंचाई पर कुल कितने बादल पांच प्रकार के बादल 206 किलोमीटर की ऊंचाई पर दो प्रकार के बादल और 6 से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर तीन टाइप के बादल पाया था पांच दो सात और तीन दस सो नॉर्मली कितने टाइप के क्लाउड हो गए टेन टाइप्स ठीक है आईएमओ हैज क्लासिफाइड टेन टाइप्स ऑफ क्लाउड आउट ऑफ विच जीरो टू टू किलोमीटर ऑफ हाइट फाइव टाइप्स ऑफ क्लाउड्स आर प्रेजेंट This is low cloud zone. Okay. 2 to 6 kilometer of height, 2 types of cloud are found. And 6 to 12, 3 types of cloud are found. Normally, this is the distribution pattern. Now I am going to tell you the name of the all this, those 10 clouds. So, how to easily recall the name of these 10 clouds? So I have a made basic trick here. आप ठीक है इसको ऐसे याद रख सकते हो वॉट आर दोज ट्रिक्स देखें। इन द क्लाउड नेम्स यू विल गेट वन नेम सीरस 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 ओके लैटिन वर्ड सीरस मीन्स टॉप सीरस का मतलब ही होता है टॉप ठीक है एनी वेयर इफ यू गेट द टर्म सीरस एनी वेयर इन द क्लाउड नेम तो सीरस का मतलब ही है टॉप लैटिन वर्ड है अरे शुरू से तो उन्हीं लोग का दबदबा है चाहे साइंस हो फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो पोलिटिकल साइंस हो सोशियोलॉजी हो ज्योग्राफी हो सब तो यूरोप लोग का कंट्रीब्यूशन है ग्रीक लोग का जर्मन लोग का है ना? मेरी बात सुन शुरू से ही दबदबा है तो सीरस सीरस मीन्स टॉप तो इस विच वन विल बी द हाउस ऑफ द सीरस क्लाउड सिक्स टू ट्वेल्व सीरस कहां बैठेगा इसमें ये रीजन है ना देखो सीरस का मतलब ही होता है टॉप याद हो गया हेलो रटने वाले लोग अरे याद हो गया नेक्स्ट देखिए सेकंड ट्रिक जैसा एक टर्म आएगा आपको ऑल्टो 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 कार देखा है ना ना ज्यादा बड़ी है ना ज्यादा छोटी है तो मीडियम लैटिन वर्ड ऑल्टो ऑल्टो मीन्स मिडिल मीडियम याद हो गया नाउ थर्ड टर्म इज क्यूमुलस क्यूमुलस देखिए so those clouds which develop vertically like this one puffy vertically puffy cumulus kapas kitra just like kapas cotton tree see for cumulus see for cotton tree so those clouds yes those clouds which develop vertically puffy referred as cumulus So, किस क्लाउड का वर्टिकल एक्सटेंशन होता है क्यूमलस का याद हो गया नाउ फोर्थ वन इज स्ट्रेटस द क्लाउड विच डेवलप इन हॉरिजेंटल मैनर लाइक दिस वन स्ट्राटा कपड़ा प्रेस करके जैसे रखते हैं स्ट्राटा लेयर बाय लेयर Status layer by layer So those clouds which develop in horizontal manner, more or less horizontal. Okay. So it will be referred as cirrus, top, alto, medium, cumulus, vertical, and a status. Last one. Last one is nimbus. निम्बस तो निम्बस मीन्स रेन बियरिंग क्लाउड नॉट एवरी एवरी क्लाउड प्रोवाइड्स रेनफॉल ओनली दोज क्लाउड इन विच निम्बस इज प्रेजेंट आईदर एलोन और इन एसोसिएशन विथ समी क्लाउड प्रोवाइड्स रेनफॉल ओनली दोज क्लाउड्स ओके विच ब्रिंग रेनफॉल आर और रेफोडाइस निम्बस ठीक है सारे क्लाउड से बारिश नहीं होती सिर्फ किससे बारिश होती है निम्बस से इसका नाम ये लैटिन में निम्बस मीनस रेन बियरिंग क्लाउड रेन बियरिंग क्लाउड ओके लगान फिल्म वाला है काले मेघा काले मेघा यही वाला है बाकी सारे क्या है बाकी सारे आसमान का जीनत है बोलो ना भाई खूबसूरती है ठीक है रौनक है आसमान का जीनत है खूबसूरती है आसमान का बाकी सारे क्लाउड देखने में अच्छा लगता आसमान और विच क्लाउड प्रोवाइड्स मान रेनफॉल जेंट एलोन और इन एसोसिएशन विद सम द लिटल मीनिंग ऑफ निम्बस इज रेन बियरिंग क्लियर सो हैव यू रिमेंबर ऑल दिज नेम नाउ जस्ट अब इसको काट दिया मैंने अब देखो जरा सा हाउ मच इट इज इजी टू रिकॉल द नेम ऑफ ऑल द क्लाउड अब यह ट्रिक था अब आओ जरासा देखें सो हाइस्ट अमाउंट ऑल द क्लाउड टाइप इज दिस इज सिरस। क्लियर सबसे टॉप पे कौन सिक्स ट्वेल्व किलोमीटर ठीक है चलो ये किसका घर है सीरस का सीरस का मतलब ये टॉप ओके चलिए सो दो सीरस क्लाउड विच डेवलप्ड रिजेंटली ऐसे डेवलप हो रहा है। तो ऐसे वाले को क्या बोलते हैं इसका क्या नाम है इस वाले का और यह किसका घर है तो क्या बोलेंगे इसको स्टेटस सीरस या सीरो स्टेटस सो इट इज बेटर टू से कि जिसका घर होगा उसका ना नेम प्लेट होगा तो पहले नाम किसका रखें? दिस इज़ स्टेटस, स्टेटस, सीरस सीरो स्टेटस याद हो गया क्लियर अब देखो दोज क्लाउड्स विच डेवलप वर्टिकली तो वर्टिकल को क्या बोलते हैं एंड दिस इज हाउस ऑफ तो इट्स नेम विल विलूमुलसो क्यूमुलस हो गया याद कितना आसान है और नहीं बताते तो रटते आप लोग पागलों की तरह हाइएस्ट एम ऑल द क्लाउड टाइप सो दो विच आर नॉर्मली प्रेजेंट इन वर्टिकल मैनरस हो गया अब देखो नाउ मिडिल को क्या बोलते हैं लैटिन में ऑल्टो सो दोप ऑरिजेंटली बोलो ऑल्टो स्ट्रेटस नाउ क्या बोलेंगे इसको ऑल्टो क्यूमुलस हो गया याद कितना सरल है अल्टो स्टेटस क्यूमुलस तीन और दो पांच क्लियर अब हम एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं के एस का एक क्वेश्चन कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस का क्वेश्चन है कि निम्बस विल टाइप ऑफ बताओ कहीं हाई क्लाउड में कहीं निम्बस हमने मैं कहीं मिडिल क्लास में कहीं निम्बस निम्बर किया है तो लास्ट ऑप्शन यू हैव लेफ्ट आउट इज ठीक है देखो जैसे ये हो गया चारों आओ जैसे नीचे स्टेटस ये सीधा सीधी नाम रहेगा इसमें ज्यादा कुछ लाम काफ नहीं स्टेटस लोवेस्ट एमंगल द्लाउड टाइप इज स्टेटस उछल के पकड़ लिया स्टेटस है ना पकड़ लेना स्टेटस फ्रॉम जीरो किलोमीटर अप टू टू किलोमीटर ऑफ़ फाइव क्लाउड लोएस्ट एम ऑल द क्लाउड टाइप इज स्टेटस नाउ ये वाला बोलो तो बाबू इसका क्या नाम होगा क्यूमुलस हो गया नाउ निम्बस ओके निम्बस मीनस व्हाट? रेनवेयरिंग, अब जा देखो क्लियर है ना अरे समझ पा रहे हो मेरी बात को तो so, निम्बस एक बार इसके साथ एसोसिएट होगा स्टेटस के साथ तो so, क्या नाम हो जाएगा निम्बस और निम्बो निम्बो स्टेटस एक बार ये निम्बस किसे चिपक गया जाके स्टेटस से तो क्या बना दिया निम्बस और एक बार निम्बस जाके किसे चिपक गया तो क्या बना दिया ये क्यूम्लो निम्बस और निम्बो क्यूमुलस बेटर टू से क्यूमलो थोड़ा ज्यादा पॉपुलर टर्म है क्यूमलो निम्बस और निम्बो क्यूमुलस और क्यूम्लो निम्बस हो गया चलो हाउ मेनी क्लाइव आर कंप्लीटेड नाउ तो तीन दो पांच, छ सात आठ नौ ठीक है लास्ट लास्ट पॉसिबिलिटीज अरे नींबर्स तो एक बार स्टेटस के साथ चिपक गया और एक बार हो तो ही गया तीन दो पांच, छ सात आठ नौ स्टेटस अरे क्या नाम है इसका इन दोनों का आपस में रह गया स्टेटस क्यूमुलस तो लास्ट ऑप्शन इज स्टेटस स्टेटस है पापा क्यूमुलस मम्मी स्टेटस द बेस विल बी फ्लैट एंड द नोज विल बी शार्प ऐसे हो गया हुआ क्या नाम दे बोले स्टेटो क्यूमुलस और क्यूमलो स्टेटस एस्टेटो और क्यूमलो स्टेटस, एस टी सी ओ एस्टेटो और क्यूमलो स्टेटस, कुछ भी बोल दो भाई अब आओ इसे कैरेक्टरिस्टिक पे कभी कभी सवाल आ जाते हैं काल प्रीलिम्स में नेक्स्ट <coughs> देखिए तो रिकॉल कर लें फटाफट चलो बोलो भाई हो गया क्लियर याद हो गया ना सर देखो तो हंसते खिलते याद हो गया सर कुछ है इसमें कोई रॉकेट साइंस है नहीं ना क्लाउड नेम तो कभी कभी इसमें से क्वेश्चन आ जाता है टॉप टू बॉटम सजाने के लिए तो एक ऑप्शन उसमें से दे विल गिव वन ऑप्शन फ्रॉम हाई क्लाउड सेकंड फ्रॉम ऑल्टो रीजन एंड थर्ड फ्रॉम दिस रीजन ओके चलिए सम समेक्टरिस्टिक ऑफ दिस क्लाउड्स और अब जैसा हम पूछ रहे हैं एक एक करके देखते चले जाते हैं किस क्लाउड का क्या क्या खास बात है तो देखो <coughs> अब आप बताओ मुझे आउट ऑफ दिस क्लाउड्स इधर देखो सारे बोर्ड पे देखोगे तो समझ आएगा अरे लिख ले, लिखते लिखते आउट ऑफ दिस टेन क्लाउड्स विच क्लाउड मे बी फॉर्म इन द आइस क्रिस्टल फॉर्म दस तरीके के बादल है ना तो कौन सा बादल आइस क्रिस्टल के शक्ल में मिल सकता है जैसे जैसे ऊपर जाएंगे टेम्परेचर डिग्री तो आइस कहां बनेगा स्नो इस, इस रीजन में बनेगा कि उधर बनेगा आइस इधर बनेगा उधर ज्यादा चांस है ना so which cloud is mostly found in the form of ice crystal cirrus